नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा सिंह, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ಅವಿಭಜಿತ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಲಾಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯವಂತ ದಂಪತಿಗಳ ಆದಿಜನ ಜೋಗ ರಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಯುವಕರ ಸಂಗರು ಕಟ್ಟಿ ರಾಮನಾಯ್ಕ ये तुलु कर्नाटक के समाज के लोगों के माध्यम से सत्कार का समारंभ हुआ। मैं मानता हूँ कि मुझे मुंबई शहर में मराठी लोगों ने मुझे लीडरशिप बनने का मौका दिया, गुजराती लोगों ने मेरी लोकप्रियता बढ़ाई और हमारे कर्नाटक के लोग मेरे साथ में एकदम डटकर खड़े रहे इतने लंबे सफर में। और ये आज मुझे फेम इंडिया के माध्यम से जो बेस्ट सांसद का पुरस्कार मिला, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा कांजुलि में लगाई और उज्ज्वला स्कीम जो है वो ऑल इंडिया हुआ, इसलिए तीनों कार्यक्रमों को एक साथ में मिलाकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आपने देखा कि हजारों की संख्या में लोग आए थे और बड़े उत्साह से ये कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया। मुझे लगता है कि 27 साल जनप्रतिनिधि के नाते मैंने जो काम किया उससे भी अच्छे ढंग से मेरा सत्कार और सम्मान का कार्यक्रम किया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और समाज में अच्छा काम करने के लिए मुझे आज के इस कार्यक्रम से प्रेरणा मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे इतने लोग आए हैं आपके समाज के लोगों ने और लोगों से इतना प्रेम रहा कि पूरा महाराष्ट्र से ही नहीं बाहर से भी लोग आए थे और केंद्रीय मंत्री भी आए थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं मानता हूँ कि देखिए, जब भगवान की कृपा होती है तो सब होते जाता है। समाज के लोगों ने मुंबई में सभी लोग मिलकर भी इतना बड़ा कार्यक्रम होता नहीं, लेकिन एक समाज के लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। और लास्ट मोमेंट पे चंद्रकांत दादा पाटिल भी यहाँ पर कार्यक्रम में आ गए तो सोने में सुहागा जैसा हो गया, तो निश्चित हमारे कार्यकर्ताओं को और अच्छा काम करने के लिए इससे प्रेरणा मिलने वाली है। और अभिनंदन, पुलवामा में जो घटना हुई उसको हमारे समाज के लोगों ने याद किया, अभिनंदन ने जो देश का गौरव बढ़ाया इसके लिए उसको रथ पर भारत माता की फोटो और अभिनंदन का फोटो लगाकर जो जुलूस निकाला ये भी एक अनोखा कार्यक्रम हुआ ऐसा मैं मानता हूँ। इस प्रकार के युद्ध जब होता है तो क्या होगा ये पहले कहा नहीं जाता है, किया जाता है और देश के प्रधानमंत्री सक्षम है उसके करने के लिए और हमारे देश के जो सेना है उन्होंने दो झटका जो दिया है इससे पाकिस्तान और आजू बाजू के हमारे जो हित चिंतक हो या तो हमारे जो भी है उनको पता चल गया कि भारत देश की ताकत क्या है, भारत की सीमा की ताकत क्या है, ये पता चल गया। अब सुधरते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तीसरा झटका देकर सुधार देंगे लोगों को और क्या है।